हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आपके सामने जो ये पौधा है जिसमें फ्लावर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये मिनी मधुकामनी का प्लांट है। ड्वार्फ वैरायटी का है, इसे मैंने नर्सरी से परचेज़ किया था। लगभग 1 से 1.5 साल हो गए इस पौधे को मेरे पास और इसकी अब हाइट काफ़ी अच्छी हो गई। इसकी रिपोर्टिंग, इसका विंटर केयर और इससे रिलेटेड कई वीडियो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बारिश का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और अभी आप देख सकते हैं ये पौधा पूरी तरह से फ्लावर से भरा हुआ है और इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है इतनी अच्छी, इसमें खुशबू होती है कि इसका एक पौधा अगर आपके गार्डन में लगा हो तो इसकी खुशबू से आपका पूरा गार्डन महकने लगेगा। तो बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला ये पौधा होता है। इसकी पत्तियों का शेप आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से घना सा दिखाई देता है। और इसकी 3 तरह की वैरायटी आती हैं, मेरे पास 2 वैरायटी ऑलरेडी हैं, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। दोनों ही वैरायटी, इसकी जो टेबल टॉप कामनी की वैरायटी है वो बहुत ही छोटा सा पौधा होता है, उसकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी छोटी होती हैं। और ये मिनी कामनी का पौधा है, इसकी पत्तियाँ उससे थोड़ी सी बड़ी हैं। और जो नॉर्मल वैरायटी का प्लांट होता है उसे मधु कामनी बोलते हैं, उसकी पत्तियाँ इससे भी शेप में थोड़ी सी बड़ी होती हैं और वो बहुत ही बड़े पेड़ का शेप ले लेता है। उसमें भी इसी तरह के फ्लावर आते हैं, फ्लावर का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस तरह से इसकी 3 वैरायटी होती हैं। फ्लावर में कलर जो है आपको वाइट ही मिलेगा और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। तो अगर आप खुशबूदार पौधे लगाना चाहते हैं तो मोगरा और मिनी मधुकामनी या नॉर्मल वैरायटी का इसका पौधा लगा सकते हैं, जिसमें कुछ इसी तरह के फ्लावर निकलते हैं और इसका एक पौधा आपके पूरे गार्डन को महका करके रखता है। तो पूरे समर सीज़न ये पौधा फुल सनलाइट में रखा हुआ था। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर टेरेस के कॉर्नर पर मैंने इस तरह से प्लांट्स के साथ में रखा हुआ है। और पूरे गर्मियों में इसमें जो है जिस तरह का टेम्परेचर था, जिस तरह की धूप हो रही थी, पूरे गर्मी इस पौधे में बहुत सारी कलियां बनती थी लेकिन कलियां खिलने से पहले ही सूख जाती थी। विंटर सीज़न में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब बाकी के प्लांट डोरमेंट पीरियड में होते हैं, ये प्लांट भी डोरमेंसी में होता है लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी कलियां बनती हैं और कुछ कुछ फ्लावर बीच बीच में निकलते रहते हैं। जब तेज़ धूप होती है तो फ्लावरिंग सर्दियों में भी इसमें होती है। तो ये पूरे साल ही ये पौधा हरा भरा घना रहता है और इसमें फ्लावर भी रहते हैं। फरवरी मंथ में जब इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी, तो पुरानी पत्तियां गिरती जा रही थी और साथ ही में नई पत्तियां भी निकल रही थी। तो इस तरह से ये प्लांट पूरी तरह से पत्तियां नहीं गिराता है, डोरमेंसी में होने के बाद भी इसमें लगातार जो है पत्तियां आप देखेंगे बनी रहती हैं इसके पौधे पर। और जब फरवरी मंथ में जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, फरवरी मंथ के बाद से इसमें नई पत्तियां आने लग जाती हैं और पुरानी पत्तियां धीरे धीरे करके गिरती हैं। तो इस तरह से ये पौधा कभी भी ऐसा नहीं दिखता है कि इसमें बिल्कुल भी पत्तियां ना हों, फ्लावर ना हों। इसमें आपको पूरे साल ही कुछ कलियां पत्तियां आपको दिखेंगी डोरमेंसी पीरियड में भी। और गर्मियों में तो इस तरह से ये पूरा हरा भरा और घना बना रहता है। अभी मई जून के मंथ में इसकी कुछ पत्तियाँ बर्न हो गई हैं और बारिश में फिर से ये पत्तियाँ, जो पुरानी पत्तियां हैं, जो पीली पत्तियां हैं, वो गिर करके नई पत्तियां दोबारा से इसमें नई ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज मैं इस प्लांट के साथ कुछ केयर करूंगी। बारिश रुकी हुई है और थोड़ी बहुत धूप भी निकली हुई है, तो आज मैं इसमें दूंगी फर्टिलाइज़र, क्योंकि 2 से 3 मंथ हो गए इस पौधे को फर्टिलाइज़ किए हुए। तो बात करें अगर फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र आप इसमें काउडंग मैन्योर दीजिए। मैंने जब से इस पौधे को लगाया है तब से लेकर अब तक कई फर्टिलाइज़र दिए हैं, लेकिन जो काउडंग मैन्योर का रिज़ल्ट मुझे मिला है काफ़ी अच्छा, मैंने इसमें रिज़ल्ट देखा है। काउडंग मैन्योर देने के बाद इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है और इसी तरह से इसमें फ्लावरिंग बनी रहती है, कलियाँ हमेशा बनती रहती हैं। तो काउडंग मैन्योर आप मंथ में अगर एक बार अच्छे से इसे दे देते हैं तो ये प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ करेगा और इसी तरह से फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो मैंने इसे 9x9 इंच के ग्रो बैग में लगाया था और जब से मैंने इसे रिपोर्ट किया है इसकी हाइट बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे इसकी हाइट और अच्छी हो जाएगी मैं इसे
और बड़े ग्रो बैग में या किसी बड़े प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। तो आप जब भी इस पौधे को लगाएं तो किसी बड़े प्लांटर या बड़े ग्रो बैग में ही लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं। अगर ज़मीन में जगह हो तो आप ज़मीन में लगा सकते हैं। ज़मीन में इसकी नॉर्मल वैरायटी लगाएंगे तो आपको बहुत ही बड़ा पेड़ के शेप में ये पौधा तैयार मिलेगा। तो इस तरह से मैं इसकी कर ले रही हूँ गुड़ाई। और गुड़ाई करने के बाद जो भी ये ऊपर की मिट्टी आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी ऊपर तक मिट्टी भर रखी है, तो ये ऊपर की मिट्टी मैं 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी निकाल दूंगी। और इस तरह से जब जड़ें दिखाई देने लग जाती हैं तब आपको इस तरह से काउडंग मैन्योर लेकर के चारों तरफ अच्छे से काउडंग मैन्योर को डाल देना है। और डालने के बाद जो भी मिट्टी आपने बाद में निकाली है उस मिट्टी को वापस से इसे ढक देना है। और मिट्टी को ढकने के बाद मैं इसमें पानी नहीं दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट भी है, और इसे टेरेस पर ही रख दूंगी। और जैसे ही बारिश का पानी इससे मिलेगा, धीरे धीरे करके काउडंग मैन्योर का न्यूट्रिशन जो है वो ये इस पौधे की जड़ें धीरे धीरे लेती रहेंगी। तो इस तरह से आप अभी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर बारिश की सीज़न में फर्टिलाइज़र देना है तो आप इसकी टॉप लेयर पर एक फर्टिलाइज़र की लेयर बिछा करके इस तरह से मिट्टी डाल सकते हैं। तो वैसे तो बारिश के सीज़न में फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए पौधों को, क्योंकि बारिश के पानी के साथ ही फर्टिलाइज़र के सारे न्यूट्रिशन निकल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगातार बारिश नहीं हो रही है। लगातार बारिश होती है तब हमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वगैरह से बचना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है, उसके बाद से हल्की फुल्की धूप निकल रही है। तो जब तक बारिश होगी तब तक इस फर्टिलाइज़र का न्यूट्रिशन ये पौधा ले लेगा। तो अभी आप चाहें तो इस पौधे को नर्सरी से परचेस करके रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। ये पौधा आपको 100 से 150 रुपये में आराम से मिल जाएगा नर्सरी में। इस सीज़न में इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, कटिंग से भी ये पौधा ग्रो हो जाता है। मैं भी इसकी कटिंग लगाऊंगी और इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, कितने दिनों में इसमें रूट्स बनती हैं। मेरे पास सीड्स भी रखे हुए हैं, फरवरी मंथ में इसमें काफ़ी सीड्स बनते हैं, तो उन सीड्स को भी मैंने रखा हुआ है। उन सीड्स से भी मैं इसके पौधे तैयार करूँगी। तो ये काफ़ी हार्डी पौधा है, इस पौधे को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें अच्छी खुशबू के लिए। और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। आप चाहें तो इसे शेप भी दे सकते हैं, बारिश का सीज़न है, अभी इसकी कटिंग प्रूनिंग वगैरह करके इसे एक अच्छा शेप दे सकते हैं। तो इसकी कटिंग वगैरह करने से ये पौधा और भी ज़्यादा बुशी हो जाता है, और भी ज़्यादा इसमें कलियाँ बनती हैं, काफ़ी सारी स्टेम्स इसमें निकलती हैं। तो इस तरह से जब से मैं इस पौधे को लेकर के आई हूँ तब से लेकर के अब तक का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। काफ़ी अच्छा पौधा है, कभी भी ये पौधा पूरी तरह से सूखता नहीं है, हमेशा आपके गार्डन में हरा भरा और घना इसी तरह से बना रहेगा। तो इस पौधे को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।